माननीय तेजस्वी यादव जी नौकरी का श्रेय लेते हैं, राजनीति भी शर्मसार हो जाता है। शिक्षक अभ्यर्थी की पात्रता भी आप में नहीं, हाँ एक राजनीतिक परिवार के वारिस होने के नाते आपकी पात्रता है कि आप लालू जी के सुपुत्र हैं, लेकिन शिक्षा जिनके माँ पिता ने चरवाहा विद्यालय चलाया, उनका बेटा कहता है कि शिक्षक जो सफल हो रहे हैं, नौकरी मिल रहा है, वो हमारे चलते मिल रहा है। अरे सच तो यह है तेजस्वी यादव जी कि आपके पिता ने अपने परिजन को भी नहीं छोड़ा। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन कोई मेहनत करके नहीं आया था, नौकरी के बदले में गरीबों का जमीन आपने लिया है, तो जमीन लौटा दीजिए। अगर लौटा दीजिएगा तब यह श्रेय लेने की बात अगर आएगी तो कुछ बात समझ में आएगी और वह विमर्श का केंद्र बनेगा। लेकिन जिसके माँ पिता ने नौकरी के नाम पर जमीन लिया, जिसमें आप भी शामिल हैं, आपके नाम पर भी जमीन है, तो हिम्मत अगर है तो वह जमीन लौटाइए। नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया तो पैसा नहीं लिया, जमीन नहीं लिया, पदस्थापन में खेल नहीं हुआ, तो आज सब कुछ लूट गया आपका और आज राजनीति में विलाप कर रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं। अरे श्रेय तो आपको चरवाहा विद्यालय का लेना चाहिए। जदयू भाजपा जो होड़ लेना चाहती है, तो आदरणीय तेजस्वी जी जब उप मंत्री थे उस समय 40,000 से अधिक सृजित किए गए थे पद प्रधानाध्यापक, आज जो 42,000 से अधिक जो आप देख रहे हैं जो रिजल्ट आए, तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना, लगभग 37,000 लगभग जो मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक प्रधान शिक्षक हैं और उच्च माध्यमिक के जो प्रधानाध्यापक हैं उसकी संख्या लगभग 6,000 से अधिक है। अब इतनी जानकारी नहीं है कि ये तो निर्णय तेजस्वी जी के संकल्प के अनुसार हुआ था, कि 17 वर्ष तो किए नहीं थे इनके उप मुख्यमंत्री उस समय ये कहा करते थे नियोजित शिक्षकों के बारे में कि भगवान भी आ जाएंगे तो राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, आज होड़ लेने के लिए बने हुए हैं होड़। अरे तेजस्वी जी का संकल्प नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, जाति गणना का मतलब तेजस्वी यादव, आरक्षण का दायरा बढ़ाओ उसका मतलब तेजस्वी यादव, मिडल लॉ नौकरी पाओ इसका मतलब तेजस्वी यादव, अरे आईटी पॉलिसी टूरिज्म पॉलिसी का मतलब तेजस्वी यादव, शिक्षा विभाग किसके पास था, इनके पास था, तो 17 वर्ष तो कुछ किए नहीं, ये 17 महीना में ना हुआ भाई, कि गवर्नेंस जो मॉडल स्थापित किया तेजस्वी जी ने, जिसको लोगों ने स्वीकार किया देश और दुनिया में, तेजस्वी जी के संकल्प और इनके क्रियाकलाप की भूई प्रशंसा हुई कि ये बंदा तो जो कहता है सो करता है, तब ना मिर्ची लगने लगी, होश उड़ने लग गए, पलट गए। आज फिर आज क्रेडिट लेना चाहते हैं, कोई क्रेडिट बिहार की जनता आपको नहीं देगी। एनडीए के साथियों को मैं एक बात आगाह कर देना चाहता हूं, नौकरी का मतलब बिहार में तेजस्वी यादव होते हैं। 3.5 लाख जो प्रक्रियाधीन था, जो प्रकाशन हुआ रिजल्ट, क्रेडिट ले रहे हैं, भूल गए वो दिन क्या? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कहते थे 2020 के चुनाव में कि नौकरी कहां से लाएगा, पैसवा कहां से लाएगा, जेलवा से, बाप कहां से लाएगा? उस मिथ्या को तोड़ा तेजस्वी जी ने 17 महीने के समय, 17 महीने में जो गवर्नेंस के मॉडल और अपने निर्णयों को स्थापित करवाया, आज जब रिजल्ट निकल रहा था क्रेडिट किस पर जाएगा? तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही हुआ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही थे लेकिन ये निर्णय तेजस्वी जी का है, पूरा देश इस बात को लोहा माना, विदेश में इसके लिए आर्टिकल छपी कि एक युवा जो संकल्प लिया उसको पूरा किया, बहुत सारी प्रक्रियाधीन तो कर करके आए, 17 वर्षों में करवाए कहां थे? अरे आपने तो कॉन्ट्रेक्टवा जो करवाया था उसको भी राजकर्मी का दर्जा 4.5 लाख शिक्षक कर्मियों का तेजस्वी जी ने दिलवाई। मरहूम आपके उप मुख्यमंत्री क्या कहा करते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, निकालिए स्टेटमेंट को, वीडियो को। तेजस्वी प्रसाद यादव का मतलब ही होता है नौकरी, तेजस्वी जी का मतलब होता है आईटी पॉलिसी, तेजस्वी जी का मतलब होता है टूरिज्म पॉलिसी, तेजस्वी जी का मतलब होता है स्पोर्ट्स पॉलिसी, मिडल लॉ और नौकरी पाओ, तेजस्वी यादव जी का मतलब होता है खेल मंत्रालय,
17 महीना में कैसी लकीर, उस लकीर को देश ने भी स्वीकार किया कि इस बंदे में जज्बा है, अपने कर्तव्यों पर खरा उतरने वाला है, अपने वचनों पर खरा उतरने वाला नेता का नाम तेजस्वी यादव है। अखने लग रहा है कि हम क्रेडिट ले लें, करेंगे तेजस्वी जब क्रेडिट लीजिएगा आप, पलटी मार गया तो क्रेडिट मिल जाएगा किसी को, बिहार की जनता क्रेडिट देने वाली। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।